हेलो फ्रेंड्स एज लास्ट टाइम वी रेड अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फिजिकल स्टेट वॉट इज रिएट इन इज प्रोडक्ट टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन लेट सी एफ ई एच टू ओ प्लस एफ गिवस एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच टू ठीक है एफ ई आयरन है इसमें क्या होता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन में हमें हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना होता है इस साइड वाले पोर्शन को रिएक्टेंट बोलते हैं ये वाले पोर्शन को प्रोडक्ट बोलते हैं इसमें पहले एलिमेंट लिखो एक साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यू राइट फर्स्ट ओके कौन कौन से इसमें एलिमेंट है एफ ई है एच टू है और ओ है तो वो एक साइड लिख, लिख लिया रिएक्टेंस के साइड कौन कितने कितने एफ ई कितने एच टू वो लिख लो एफ ई वन है टू एच टू है और ओ वन है और, और प्रोडक्ट के साइड थ्री एफ ई एच टू है और फोर है अब देखो उसको यहाँ पे थ्री है तो इंटू थ्री करेंगे तो थ्री हो जाएगा यहाँ पे हम लोग ने ये मत देखो अभी टू है टू है मीन्स हाइड्रोजन बैलेंस अब यहाँ पे भी टू है यहां पे भी टू है ऑक्सीजन के केस में क्या हो रहा है इस साइड प्रोडक्ट के साइड फोर है लेकिन रिएक्टेंट में कितने हैं वन uh, ही है तो इंटू फोर करेंगे तो फोर हो गया लेकिन यहाँ पे यहाँ पे फोर लिखेंगे तो हाइड्रोजन बढ़ गए फोर इंटू टू एट हो गए तो यहाँ पे हम लोग ने रिएक्टन में फोर इंटू टू एट हो गए तो प्रोडक्ट में भी एट करना पड़ेगा एट करने के लिए हमें इंटू फोर करेंगे तो एट हो गया इस तरीके से अपनी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है ठीक है तो ये देखो ये अपनी बैलेंस रिएक्शन थ्री एफ ई हो गई यहाँ पे थ्री एफ ईट एच टू तो यहाँ पे फोर एइट एच टू और ओ कितने हैं फोर ये फोर रिएक्शन बैलेंस हो गई उसी तरीके से एम जी के देखो एम जी रिएक्टेंट दो है यहाँ पे दो है ओ टू और ये हो गए टू ओ ठीक है 2, o, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हमें ये रिएक्शन बैलेंस क्यों करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ फॉलो होता है मास कैन एदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड ठीक है इसलिए हमें केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी होती है अब है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर चार टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है कौन कौन से कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट देता है कितने भी दो से दो से दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट देता है तब जाके हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं जैसे कि C प्लस ओ टू क्या देगा सी ओ टू एच टू प्लस एच टू ओ एच टू प्लस ओ टू एच टू ओ टू ठीक है अब टूडेज होमवर्क इज यू हैव टू राइट दिस इन योर नोटबुक वॉट एवर आई टॉट यू टूडे नेक्स्ट टाइम वी विल सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओके थैंक यू